मैं अलशिफा हॉस्पिटल जामिया नगर के सामने इस वक्त खड़ा हूँ। अलशिफा हॉस्पिटल जामिया नगर के बारे में अगर आपको तारीख मालूम हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि नवंबर 2011 में ये अस्पताल आज से कोई 12 साल पहले कायम हुआ। तब से लगातार जामिया नगर अतराफ के लोगों को खिदमत कर रहा है, सेवा कर रहा है। जामिया नगर में जब ये अस्पताल है तो यहाँ के लोकल लोगों को कई तरह के सवाल भी होते हैं, कई तरह के मसाइल भी होते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत भी उनके आसपास में है। पिछले दिनों मेरी मुलाकात डॉक्टर मुकेश कारपेंटर से हुई जो यहाँ के सर्जन हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किस तरह से एक खातून का ऑपरेशन किया जिनके पेट में से सिस्ट निकला, बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का ऑपरेशन था। कामयाब ऑपरेशन हुआ, हमने उस पर स्टोरी बनाई थी। अभी इसी हफ्ते मुझे मालूम हुआ कि जो आर्थो डिपार्टमेंट है उसने नी रिप्लेसमेंट का एक बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन किया है। तकरीबन 78 ईयर्स की एक लेडी का ऑपरेशन किया है और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये चीज़ें भी सामने आती रहनी चाहिए ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये पता भी चले कि यहाँ पर इस अस्पताल में सर्विसेज कैसी हैं और सर्विसेज अगर कमज़ोर हैं तो कैसे बेहतर हो सकती है, उसके लिए उनके सजेशन भी आते रहें। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ जो आर्थो डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इसका ऑपरेशन किया है, डॉक्टर नीलेश दामानी, मैं उनसे मुलाकात करूँगा और उनके चैम्बर में पहुँच करके मैं आपसे मुलाकात कराऊँगा कि किस तरह से उन्होंने ये ऑपरेशन किया और कामयाब ऑपरेशन हुआ। आइए हम चलते हैं डॉक्टर दामानी से मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नीलेश दामानी हैं जो अशिफा हॉस्पिटल के आर्थो हैं डिपार्टमेंट से आप हैं, तकरीबन 2 साल से आप यहाँ पर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहीं से बात शुरू करेंगे कि आपका जो आर्थो डिपार्टमेंट है अभी पिछले दिनों बहुत कामयाब सर्जरी आपने की है नी रिप्लेसमेंट की, उसमें कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से थे, कैसे आपने डील किया? नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलेश दामानी। हम लोग यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में सारे जो हाई एंड सर्जरीज होते हैं जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, ट्रॉमा सर्जरीज, हिप की सर्जरीज, जो भी अपर एंड सर्जरीज होती हैं जो छोटे हॉस्पिटल में नहीं की जा सकती हैं वो सारी यहाँ पे कामयाब तरीके से कर रहे हैं। इधर का ऑपरेशन थिएटर इज़ वेरी गुड, हम लोग ऑपरेशन थिएटर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ ICU HDU यूनिट्स अवेलेबल हैं, फिजिशियंस काफ़ी अवेलेबल हैं, एनेस्थेटिस्ट पूरे फुल फ्लेज्ड हैं, एंड वी हैव गॉट ऑल द मशीनरी, जितना भी मशीनरी है सब कुछ हाई एंड है। पिछले कुछ दिनों पहले जो नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी हुआ, मिसेस जाफरी फारूकी करके पेशेंट हैं जो 78 ईयर्स के हैं, आए थे मेरे पास, उनके घुटने में बहुत दर्द था। ये एक बीमारी है जिसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा। इसमें घुटने की इन दोनों हड्डियों के बीच का जो लुबाब होता है, जो बीच का मेनिस्कस होता है हम लोग बोलते हैं, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में छल्ले बोलते हो, लिगामेंट्स बोलते हो, वो सब घिस जाता है। एज के साथ नॉर्मल चेंजेस है, डिजनरेटिव चेंजेस है, जैसे बाल सफेद होने जैसे बात है। जी। लेकिन इससे दर्द बहुत होने लगता है पेशेंट को, खासकर ओल्ड लेडीज में जिनमें बोन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, उनको इतना पेन होता है कि चलना दुभर हो जाता है उनके लिए। मेरे पास पेशेंट आई थी, उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी। इसमें हम लोग ये पूरा सामान हटा के इम्पोर्टेड इम्प्लांट लगा देते हैं, जिससे कि इसको हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, जिसका हिंदी में नाम जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी है। दिस इज अ वेरी हाईली सक्सेसफुल टाइप ऑफ सर्जरी, जिसको अगर अच्छे से किया जाए तो पेशेंट करीब 10-15 दिन में तो चलने फिरने लायक हो जाता है। हमारी पेशेंट जाफरी जो अभी 20-22 दिन हुए हैं जिनको ऑपरेशन को, शी इज वॉकिंग वेरी गुड, शी इज डूइंग नाइस, एंड इनफैक्ट मोस्टली 60 के बाद वाली जो फीमेल्स होती हैं उसमें ये बहुत ही कॉमन टाइप का डिसीज है, एंड दिस हैज बिकम अ वेरी रूटीन ऑपरेशन जस्ट नी रिप्लेसमेंट। अलॉन्ग विद इट हमारे ऑपरेशन थिएटर में वाला इस हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट के साथ हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन की सर्जरी, ऑल द ट्रॉमा सर्जरीज, वी आर डीलिंग विद ऑल द टाइप ऑफ ऑर्थोपेडिक स्टफ। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी है, सर्जरी जब का जब जिक्र आता है तो लोगों में कई तरह के ख्याल आते हैं कि आप डॉक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर क्या सहूलतें हैं, इमरजेंसी अगर कुछ हो गई, इस बात को लेकर के जो मरीज और मरीज के जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, और इस बात का एतमाद दिलाना अलशिफा का कि आपके पास जो सर्विसेज हैं फुल फ्लेज हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यही जो केस था कोई मामूली केस नहीं था, बहुत अहम फैमिली की खातून थी वो, और उनको इत्मीनान दिलाना उनकी फैमिली को कि नहीं आप अशिफा में ही ये कामयाब इलाज करा सकती है और हम कर सकते हैं। देखिए, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। एक तो आपकी मशीनरी क्या यूज़ हो रही है, सो वी आर यूजिंग जो भी हमारी मशीनरी है दैट कम्स विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इवन हम जो इसमें इम्प्लांट यूज करते हैं वो बहुत महंगा इम्प्लांट आता है, दैट इज टाइटेनियम बेस्ड या कोबाल्ट क्रोमियम बेस्ड अलॉय का, दैट इज मेड इन UK US, देर आर नॉट लाइक इंडिया, लोकल मेड इम्प्लांट्स नहीं होते हैं। सेकेंडली, हॉस्पिटल में ICU फैसिलिटीज कैसे हैं टू डील विद द कॉम्प्लिकेशंस। बाय चांस ऑपरेशन में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, पेशेंट को कुछ दवाई ऊपर नीचे हो जाती है, या कई बार पेशेंट्स का बॉडी भी रिएक्ट करता है,
हमारे पास सारा आईसीयू विद बैकअप विद वेंटिलेटर बैकअप्स आईएचडीयू। हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में तीन सर्जन हैं, मैं हूं, डॉक्टर फारूक साहब हैं, डॉक्टर आनंद साहब हैं, तीनों दे आर डूइंग वेरी नाइस वर्क। आपका एक्सपीरियंस क्या है सर? मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स हूं, उसके बाद मैंने फेलोशिप्स करी हैं। मुझे ऑर्थोपेडिक्स में आफ्टर एमएस करीब 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मैंने कई बार नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन का सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। जाफरी फारूकी जो पेशेंट आए थे, जिस पेशेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, शी वॉज अ वेरी गुड कैंडिडेट ऑफ सर्जरी, दो उनका एज काफी ज्यादा था, 78-79 एज की है, बट उनका नी में जो पेन था, एंड दिस सर्जरी इज डन इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, इसको जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसमें जो इम्प्लांट भी यूज हुआ वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी का इम्प्लांट यूज हुआ है। कि इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उनकी लाइफ लॉन्गिंग क्या होती है, मतलब कितने दिनों तक के लिए वो जो आपका एक आइडिया होगा कि इतने दिनों तक बेहतर चलेगा, उसके बाद फिर अगर कभी जरूरत पड़ सकती है? देखिए, स्पेशली बताऊं नी रिप्लेसमेंट में फाइनली वो है एक आर्टिफिशियल नी, जिससे आपका पेन कम कर दिया जाता है, अच्छा किया जाता है, बट इसके बीच में भी एक लाइनर जैसी चीज होती है जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे घिसने लगती है। अच्छे से यूज करो अगर नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट, 25 से 30 साल तक भी उनको फेल नहीं होते हैं। अगर कोई नी रिप्लेसमेंट आपके यहाँ से हुआ तो क्या क्या लाइफ में उसको, अगर आने वाले दिनों में क्या, मतलब किस तरीके से बचना है, कैसे उसकी लाइफ लॉन्ग को बढ़ाया जा सकता है? जी जी जी, करेक्ट। देखो, कोई भी नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हम लोग उसको एक आर्टिफिशियल नी दे रहे हैं जिसपे उसको वॉकिंग पूरा चालू कर देना है। पेशेंट वॉकिंग कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, एक टाइम के बाद इवन रनिंग भी कर सकता है, बट जितना ज्यादा वो यूज करेगा नी को उतना ज्यादा वो घिसेगा। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं पेशेंट चेयर सिटिंग तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो स्क्वाटिंग पोजीशन है, जो इंडियन टॉयलेट यूज करने का पोजीशन हुआ, फर्श पे बैठ के खाना हुआ, जिसमें नी 130 डिग्री से ज्यादा मुड़ जाता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है उससे नी फेल हो जाएगा, लेकिन जो उसका लॉन्गेविटी है, जो मैं आपको 25 साल 30 साल की एज बता रहा हूँ, वो कम हो जाएगी, वो जल्दी जल्दी घिसने लगेगा। एंड कोई भी पेशेंट ये नहीं चाहता उसका दोबारा सर्जरी की बात है, तो कोशिश ये रहती है कि एक बार सर्जरी किया वो लाइफ लॉन्ग चल जाए, ऐसा रहता है। तो बेटर है, मतलब उसको नी को थोड़ा सा कम यूज करना है, थोड़ा कम मतलब ऐसा नहीं उनका चलना बैठना या फिर इसमें कोई कमी है, पेशेंट कैन वॉक, अपना 2 किलोमीटर तक चल भी सकता है। इसका आप अगर ये बताएं एस्टिमेट क्या होता है इसका? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में ये सर्जरी का जो कॉस्ट है लगभग 1,40,000 से लेकर 1,50,000 के बीच का है। ठीक है, सेमी प्राइवेट वार्ड की बात करूं तो 1,80,000 से लेकर 2,00,000 के बीच में ये ऑपरेशन हो जाता है। प्राइवेट वार्ड में इसका कॉस्ट आता है 2,30,000 से लेकर 2,50,000 के बीच का। अच्छी बात, डिपेंड करता है, मेडिसिन किसी में ज्यादा लग जाती है, किसी में कम लग जाती है, पेशेंट का वार्ड स्टेज हो रहता है, किसी में एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, किसी किसी पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट्स में आईसीयू लग जाता है, ब्लड लग जाता है। जैसे जाफरी पेशेंट तो काफी अच्छे पेशेंट है, उनको ना आईसीयू की जरूरत पड़ी ना उनको हमें ब्लड देने की जरूरत पड़ी। तो शी वॉज इन प्राइवेट वार्ड, 5 दिन यहाँ पे स्टे किया उन्होंने, एंड शी हैज गॉन वॉकिंग। अभी उनके स्टिच रिमूव हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 24 डेज हो गए हैं सर्जरी को, एंड शी इज डूइंग गुड। एंड आने वाले टाइम में, मतलब आगे अगले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, शी विल बी एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली। क्रिटिकल डीलिंग्स कौन कौन सी आपने की है? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा पार्ट आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब जो हड्डियाँ टूटती हैं, हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% ऑफ ट्रॉमा सर्जरीज की जाती हैं। सब मैंने 5% जो नहीं बोले वो इसके लिए जिनमें हाई एंड अपन लोगों को वास्कुलर सर्जन का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर बहुत ही हाई एंड सर्जन जो कि दूसरी ब्रांच का रिक्वायरमेंट, वो कहीं कहीं हमारे पास चीजें नहीं है, बट 95% ऑफ ट्रॉमा सर्जरीज हम करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट जिसमें कूले का गोला खराब हो जाता है, कूले का जोड़ प्रत्यारोपण बोलते हैं, नी रिप्लेसमेंट जिसमें घुटने का जोड़ प्रत्यारोपण बोलते हैं, स्पाइन की सर्जरीज जिसको माइक्रो डिसेक्टोमी सर्जरी, टीलिफ्ट बोलते हैं, फ्यूजन सर्जरीज बोलते हैं, स्पाइन का फ्यूजन जो नसें दबती हैं उसको खोलने की सर्जरीज होती हैं, ये सारी सर्जरी बहुत ही क्रिटिकल टाइप की सर्जरी है जो मोस्टली माइक्रोस्कोप या लूप के अंडर में किया जाता है, विच नीड, दे आर वेरी लॉन्ग सर्जरी जिसमें 4-5 घंटे भी जाते हैं सर्जरी, बट वी हैव डन इट हियर वेरी सक्सेसफुली, पेशेंट्स आर डूइंग गुड, और ये सारी टाइप की सर्जरी अभी यहाँ पे और अल-शिफा के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये मालूम हुआ कि आपके यहाँ किस किस तरह से सर्जरीज हो रही हैं और कितना कामयाब सर्जरीज आप लोग कर रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उस फैमिली के पास जिन्होंने यहाँ से सर्जरी कराई है, और उनसे मिलवाते हैं और उनकी फैमिली के लोगों से कि वो कितना मुतमईन है। तो आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं। अच्छे हैं आप? तबीयत कैसी है अभी आपकी? बहुत ठीक है, अच्छी है। अच्छा, आपका ऑपरेशन हुआ, अभी कैसा है? पहले से बेहतर है। मैं सना, ये मेरी सास है, मदर इन लॉ जाफरी फारूकी, अबुल फजल फारूकी की वाइफ हैं ये,
और इनकी अभी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है जो कि डॉक्टर नीलेश ने करी है। मम्मी तैयार नहीं होती थी लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना हमें कॉन्फिडेंस दिलाया तो उसके वो भी तैयार, मतलब उसकी वजह से मम्मी तैयार हुई और हमें भी यहाँ पर आके और यहाँ का जो इंतज़ाम देखा, ओटी में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उससे हम लोग मुतमईन थे। फिर यहाँ पे सर्जरी नहीं, सिर्फ उसके बाद की जो केयर होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो उससे हम लोग बहुत मुतमईन हैं। और जो हाइजीन, नर्सिंग असिस्टेंट्स, फ्लोर डॉक्टर्स और जो टाइम टू टाइम बुलाने की सारी चीज़ें होती है बहुत अच्छी रही। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें कि उनकी रिकवरी अच्छी हो जाए। और बाकी डॉक्टर्स की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं हुई, इनफैक्ट हम बहुत ही सेटिस्फाइड और खुशी से जा रहे हैं।